हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुज कुमार सिंह। आई एम फैकल्टी ऑफ केडी कैंपस और ईपीएफओ के एग्जाम का मैं कुछ अकाउंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो करवाऊंगा। जैसे कि मैं आपको अगर सिंपली बताऊं तो जो आपके ईपीएफओ का एग्जाम है इसके अंदर कुछ चार नंबर का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है, अकाउंटिंग अजम्पशन से रिलेटेड है, अकाउंटिंग रूल डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड है, आपका अकाउंटिंग ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से रिलेटेड है, रेशो से रिलेटेड है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर कुछ हम जो कॉन्सेप्ट करेंगे, और डेफिनेटली मैं आपको एक चीज का बिल्कुल आश्वासन देना चाहूंगा कि जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे आपके एग्जाम में जो चार नंबर का क्वेश्चन है इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपने बस ध्यान से समझना है, जो भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं और आप कमेंट में लिखिए, और आपके पास ऑप्शन हो है कि आप उसमें बोल सकते हैं, नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है उस पर कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको अवेलेबल मिल जाऊंगा। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट बैठे हो सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, तो मैं बिल्कुल बेसिक से करूंगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। बस हाँ, क्लास अगर पूरी देख लो, पूरी क्लासेस अगर आप लेते हो रेगुलर बेसिस पे, तो डेफिनेटली मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन भी अकाउंट से पूछे जाएंगे, जो लेवल है आपके ईपीएफओ में, वो डेफिनेटली आपको पता होगा, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि पता नहीं होगा। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, और जीरो लेवल से स्टार्ट करके फिर हम आगे कंटिन्यू लेके जाएंगे। तो जो बच्चे आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी हैं, तो किसी को भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे करेंगे बिल्कुल स्टार्टअप से, और आपको बिल्कुल सारी चीजें बताई जाएगी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना कि ये हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे हम अकाउंट्स की डेफिनेशन से। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है डेफिनेशन में से कुछ भी पॉइंट्स पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका मल्टी चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होता है तो कुछ भी आपका कॉन्सेप्ट आ सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ आपका थ्योरी लिखा हुआ है, आप इस थ्योरी को मत देखो अभी, बिल्कुल भी नहीं देखना, ये गलत लिखा हुआ है सारा, ये अभी आपने देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी जब मैं बोलूंगा तब देखना है। पहले मैं छोटी सी बात करूंगा, सबसे पहले मैं एक वर्ड लिखना चाहता हूं यहाँ पे, इसका मीनिंग बताइएगा। जो वर्ड मैं लिखूंगा इसका मीनिंग बताइएगा आप, बस वर्ड है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अभी इस डेफिनेशन को नहीं देखिए, मैं यहां पे आपको सारी बातें बताऊंगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग नहीं पूछता मैं आपसे, रिकॉर्डिंग का मीनिंग नहीं पूछता। इसमें से आप सभी को एक मीनिंग तो कंफर्म पता है, आर्ट। चलिए आर्ट का मीनिंग बताइए। सर आर्ट का मीनिंग, एक तो आपके पास जो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट है वो आर्ट्स होते हैं, आर्ट का मीनिंग कला। तो मैंने आर्ट का मीनिंग का मतलब हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैं आपसे जानना चाहता हूं आर्ट है क्या, एक एग्जाम्पल से बताइए। फटाफट क्विकली सोचिए अपने माइंड में कि भाई आर्ट होता क्या है। आर्ट मींस कला, मैं हिंदी थोड़ी पूछ रहा हूं, तो मैं भी ढूंढ लूंगा डिक्शनरी से आर्ट का मतलब क्या है, क्या एग्जाम्पल दीजिए आप कोई एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल सोच लिया। चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप सिंपल सिंपल जवाब देना। सचिन तेंदुलकर, जो सचिन तेंदुलकर है उसको आप क्यों जानते हो, और ऐसा क्या काबिलियत है उसके अंदर जो जानते हो। सर सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करना आता है, और वो सबसे बेस्ट बैट्समैन है पूरे वर्ल्ड में बैटिंग, यानी उस बैटिंग, क्या आप सभी देख रहे हो कि आप में से भी किसी को बैटिंग करना आता है? बिल्कुल हाँ, हर किसी को बैटिंग करना आता है, हर कोई ना कोई क्रिकेट खेलता है। लेकिन आर्ट उसी के अंदर है जो औरों की तुलना में कोई अच्छे तरीके से खेलता है। तो आर्ट ऑफ आर्ट का मतलब है एक ऐसा कला जो सब तो करते हैं, लेकिन उन सब में से मैं कुछ बेहतर कर सकूंगा तो बोला जाएगा उसमें मेरे अंदर क्या है, आर्ट है। जैसे सचिन तेंदुलकर के अंदर बैटिंग का आर्ट है। अब इसके बाद मैं पूछूं आपसे, चलो आपका ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन में आप सीधा ही आपका बताइए किस चीज का आर्ट है। बिल्कुल सही जवाब, डांसिंग का।
तो डांस तो आप भी कर सकते हो, अभी डीजे चला दे आप नाचने लगोगे। तो नाचना और एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना, एक अच्छे तरीके से, यूनिक तरीके से काम करना, सबसे अच्छा काम करना हटके, ये क्या होगा? आर्ट। सेम ऐसे मैं आपसे कहता हूं, आप रनिंग में जाओगे तो कोई ना कोई बच्चा रनिंग में सबसे फर्स्ट आ जाएगा। आपके क्लास में भी ऐसा होगा, ये बच्चा बहुत तेज दौड़ता है, आपका फ्रेंड जो होगा बोलोगा इसकी रनिंग बहुत फास्ट है, तो उसके पास भी आर्ट है। उसके पास किस चीज का आर्ट है? उसके पास रनिंग का आर्ट है। सेम ऐसे अगर मैं बात करूं तो मान लो किसी के पास सिंगिंग, सोनू निगम की बात करते हैं, बताइए उसके पास किस चीज का आर्ट है? सिंगिंग का। यानी आर्ट का मतलब है कि वो काम जो कि हर कोई कर तो सकता है, लेकिन हम उसको कुछ बेहतर तरीके से करें। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे अंदर तो इस काम को करने की स्पेशलिटी है, यानी मेरे पास आर्ट है। तो देखिए लिखा गया अकाउंटिंग इज आर्ट, अकाउंटिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले रिकॉर्डिंग का कुछ मैं मीनिंग बता दूं। हाँ, रिकॉर्डिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब यहां पे है लिखने से, लिखना। रिकॉर्डिंग का मतलब है यहां पे लिखना, ठीक है। आर्ट का मतलब यहां पे क्या है? कला। अब कला क्या होता है आपको पता है? कला मतलब किसी काम को अच्छे से करने को कला बोलते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है? माइनस प्लस करना, माइनस प्लस करना, ठीक है ना। माइनस प्लस मतलब जोड़ना घटाना, इसी को तो आप अकाउंट समझते हो। मैं नॉर्मल बोलता हूं, आपके एरिया में जो कोई भी स्टोर हो, प्रोविजनल स्टोर हो, आपने देखा होगा परचून की दुकान हो, वहां पे जो दुकानदार होता है क्या वो कॉमर्स का स्टूडेंट होता है? क्या वो ग्रेजुएट होता है? सोचो अपने मन में, क्या वो 10th पास होता है? क्या 12th? तो ईच एंड एवरी कुछ ना कुछ हमारा होता है उनका अपना क्वालिफिकेशन, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबने बीकॉम ही किया हो, सबने कॉमर्स से ही पढ़ा हो। तो उसके टोटलिंग करने की अगर मैं बात करूं तो वो टोटलिंग कुछ कैसे करते हैं, मैं आपसे आपको दिखाना चाहता हूं। मैं कई बार गया हूं सामान लेने, तो उनके पास इस तरीके का एक कार्डबोर्ड होता है, और आप ध्यान से देखोगे तो उस कार्डबोर्ड के ऊपर वो बहुत सारी पर्चियां लगा के रखते हैं। कार्डबोर्ड पे बहुत सारी पर्चियां लगा के रखेंगे, ये बन गया हमारा कार्डबोर्ड, वो चिमटा टाइप से लगा के रखते हैं, और यहां बहुत सारा पेपर पड़ा होता है। आपने कोई सामान खरीदा प्रोविजनल स्टोर से, सामान जब खरीदा आपने क्या खरीदा होगा? जनरली प्रोविजन स्टोर में क्या क्या ले सकते हो सोचो, आप मिल्क ले सकते हो, आप राइस ले सकते हो, आप आटा ले सकते हो, चीनी ले सकते हो, यही सारी चीजें तो लोगे। उससे आपने 10 सामान खरीदा, वो फटाफट क्या करेगा? जैसे आटा है, उसने आटा लिखा और प्राइस लिखा, चीनी लिखा और प्राइस लिखा, आपका दाल लिखा और प्राइस लिखा और 40 लिख दिया, इस तरीके से टोटल कर देता है वो 140। आपने देखा होगा, और ये पर्ची हटाया और आपको दे दिया, ये लो जी 140 रुपए लाओ। कई बार तो उसकी राइटिंग ऐसी होती है तो मैं तो बड़ा हैरान होता हूं कि उसने लिखा क्या है। आधे रास्ते तो मैं सोचता सोचता आता हूं कई बार घर पे कि भाई इसने लिखा क्या है, राइटिंग कौन सी राइटिंग सीख क्या है, ऐसी कौन सी पढ़ाई करी है इसने। तो मुझे वहां पे दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई अच्छा 40 रुपए, 50 रुपए, 50, 40 का 1 किलो चीनी दिया होगा, 50 का 1 किलो चावल, जो मैं अंदाजा लगाऊंगा कि मेरे पास ये सामान है। तो ये लिखने की कला है, वो भी लिख रहा है काम। लेकिन मैं एक अगर मॉल में जाऊं या कहीं अच्छे दुकानदार के पास जाऊं तो वो प्रॉपर तरीके से मुझे बिल देगा। बिल तो आपने देखा ही होगा, मोबाइल फोन लो, कुछ भी लो, आपको तो बिल मिलता है। बिल किस तरीके से देगा? वो प्रॉपर तरीके से उनका प्रिंटेड होता है। प्रिंटेड क्या होता है? आपका क्वांटिटी है ना, देखा होगा रुपीस, यहां पे लिखा होता है पर्टिकुलर, कई बार आपका ट्रांजेक्शन भी लिखा होता है पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर में आपने अगर दाल खरीदा तो यहां लिखा होगा दाल, आपने कितने 1 किलो खरीदा है। यहां पे रेट का भी कॉलम होता है, कितने का, यहां रेट का बना देते हैं 10 रुपए किलो, या मान 10 रुपए तो नहीं है आज के टाइम पे, 50, तो कितने हो गए 50। आपने आटा खरीदा तो वहां पे प्रॉपर आटा, मैं हिंदी में लिख रहा हूं समझाने के लिए, आपको इंग्लिश में लिखा रहेगा उसकी चिंता मत करो, आटा को आटा भी बोलते हैं इंग्लिश में हम। तो यहां पे मैंने लिखा 2 रुपीज, 2 केजी 25 रुपए का, तो कितने हो गए 50 रुपए। मैंने चीनी खरीदा, चीनी कितने 5 किलो, कितने का 20 रुपए का, 100 रुपए। इस तरीके से प्रॉपर वो क्या करेगा आपको 200 रुपए का रुपीस, उसके बाद प्लस जीएसटी। हम जीएसटी की भी डिस्कशन करेंगे, चिंता ना करें आप,
जीएसटी जो भी परसेंटेज है, मान लेते हैं कि 5% है, तो आपका 10 रुपीज लग गया। इसके बाद यहाँ आपसे नाम भी पूछेगा जी, नाम या मोबाइल नंबर आपका। इसके बाद यहाँ दुकान का नाम, फोन नंबर सब कुछ लिखा होगा। उसके बाद ये बिल के पीछे ना एक कॉपी भी लगी होगी जिसे कार्बन कॉपी बोलेंगे, फिर आपको ये बिल देगा वो, और इसकी एक एंट्री कंप्यूटर में भी होगा और ये बिल देगा। इसमें आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आएगा। तो क्या बताओ, जो दुकानदार 6 पास है क्या वो ऐसा काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जो 5th पास है या 5th फेल है क्या वो ऐसा काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या वो ऐसा काम कर सकता है इस डिजाइन में, इस फॉर्मेट में काम को कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यही तो बेटे कला है, यही तो कला है। कला किस क्यों बोलेंगे बच्चे? क्योंकि जो काम हम औरों की तुलना में अलग तरीके से कर रहे हैं, उसी को तो कला बोलने जा रहे हैं हम। सभी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10th 11th जो भी बोलना चाहो बोल लो, वो सब ऐसा काम कर सकते हैं। आप सब भी ऐसा काम कर सकते हो, आपके पास आर्ट नहीं है। लेकिन कुछ दुकानदार इस तरीके से काम करते हैं, स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, तो बोला जाएगा उसके पास 21 क्या है हमारा, आर्ट है। तो इसको बोला गया अकाउंटिंग इज अ आर्ट। आर्ट मतलब समझ में आया, इस फॉर्मेट में करने को हम क्या बोला हमने, आर्ट। अकाउंटिंग माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस हो रहा है। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब बताओ क्या बोला मैंने, लिखना। तो एक सेंटेंस आपको पता चला कि अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या बताइए, इससे आप एग्री करते हैं कि अकाउंटिंग लिखते हैं जो, वो लिखना स्पेसिफिक तरीके से औरों की तुलना में अलग है, तो इसलिए मैं उसको क्या बोल सकता हूं, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। चलिए मेरे साथ दूसरे पॉइंट के डिस्कशन करते हैं, क्लासिफाइंग एंड समराइज। क्लासिफाइंग एंड समराइज, अब बताइए सबसे पहले, आप सबको पता है क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है और समराइज का मतलब क्या है। क्लासिफाइंग का मतलब होता है चुनना, ध्यान से सुनिएगा इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चुनना। समराइज का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना। मैं आपको स्टोरी बताता हूं, मैंने जो दुकानदार को देखा है वो करते क्या है उनके पास मैंने जनरली देखा है, या तो उनके पास कोई जार होगा, इस तरीके का जार, जार नहीं तो आपने एक ऐसा देखा होगा उनके पास एक इस तरीके का होता है कील, और ये इस तरीके से होता है। चिंता मत करो, थोड़ी सी ड्राइंग खराब है मेरी, ये लो बन गया, इस तरीके से होता है। और ये है मेरा दुकानदार लाला जी, ये है लाला जी, लाला जी, लाला जी ने दुकान में कोई भी काम किया, दिन भर में देखो क्या कर सकता है, ग्राहक को सामान बेच सकता है, दिन भर में सामान सप्लायर से खरीद सकता है, कुछ अपने दुकान का खर्चा कर सकता है, बिजली का बिल दे सकता है, पानी का बिल दे सकता है। तो जो भी ग्राहक को सामान बेचता था उधार वगैरह, इसके दुकान पे जो है लाइन लगी पड़ी है। आप मुझे बताइए, अगर इसके दुकान पे लाइन लगी हुई है ये क्या करे बेटे, आप मुझे बताना ये क्या करे, दुकान पे लाइन है। तो पहले ये बोले कि 1 मिनट, आप एक काम करिए, आप 10 मिनट वेट करिए, पहले मैं लिख लूं, आपको अपना आर्ट दिखा दूं पहले मैं, तब आपको सामान दूंगा, या सामान फटाफट दे के कभी तसल्ली में काम किया जाए। बिल्कुल सही, सामान पहले दे दिया जाए फिर तसल्ली में काम करेंगे। अगर बोलेंगे आपको आर्ट दिखाऊंगा तो कस्टमर क्या बोलेंगे, भैया हमें नहीं देखना तुम्हारा आर्ट, हम दूसरे दुकान पे चले। तो उसने क्या करा, उसने क्या करा, सामान जो कस्टमर को दिया फटाफट, एक पर्ची था इसके अंदर, क्या करता वो इस तरीके से फंसा फंसा के रखता जाता, जो भी काम करता पूरे दिन में ये पर्ची यहाँ पे फंसा फंसा के रखता जाता। आप देखोगे कई बार इतनी मोटी बंडल हो जाती है उनके पास पर्ची लगी लगी। ठीक है, अब ये लाला जी क्या करता है, सारा सामान बेचने के बाद मैंने देखा रात को 10 बजे में गया एक बार सामान लेने। मैंने बोला और लाला जी क्या हाल चाल, लाला जी कहते हैं कि जी बहुत बढ़िया, अभी थोड़ा डिस्टर्ब मत करो। मैंने कहा क्या हुआ, कहते हैं कि अभी मैं अपना कुछ काम कर रहा हूं। मैंने बोला बताओ मैं करूं, उसने बोला उसके पास, मैंने देखा, मैं हैरान हुआ देख के इस बात को, उसके पास लाल किताबें थी, हमने तो स्कूल में सफेद किताबें देखी है, उसके पास लाल किताबें, और एक किताबें नहीं अलग अलग किताबें पलटे जा रहा है, एक किताबों में जिसमें खर्चा लिख रहा है, एक किताब जिसके अंदर सेल्स लिख रहा है, एक किताब जिसके अंदर वो अपने क्या लिख रहा है सप्लायर को जो पेमेंट किया है।
तो इस तरीके से किताबें थे एंड एक्सेट्रा। वो पर्ची निकालता और देखता ये खर्चा है, चलो लिखो खर्चे के अंदर। फिर पर्ची निकालता, फिर कहता पेमेंट है, लिखो पेमेंट के अंदर। फिर पर्ची निकालता, कहता सेल्स है, लिखो सेल्स के अंदर। फिर पर्ची निकालता, कहता एक्सपेंस है, लिखो एक्सपेंस के अंदर। फिर पर्ची निकालता, कहता पेमेंट है, पेमेंट। ऐसे करते करते ये पर्ची खाली हो गई, पर्ची खाली हो गई, और वो पर्ची फेंकता जाता और यहां पे क्या करता गया, उसे लिखता गया। तो मैं बस बताना चाहता हूं क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब चुनना। देखो वो क्या कर रहा है, इसमें से पर्ची निकाल रहा है, मतलब चुन रहा है। फिर पर्ची निकाल रहा है, चुन रहा है, इकट्ठा करना। अब देखो एक्सपेंस कितने हो गए, तीन एक्सपेंस हो गए। तो क्या एक्सपेंस इकट्ठा हो गया हमारा? हाँ जी बिल्कुल हो गया। सेल्स दो हो गए, पेमेंट तीन हो गई, तो क्या ये इकट्ठा हो गया? हो गया। तो अकाउंटिंग क्या है, लिखने की एक कला है, लेकिन कैसे लिखोगे? पहले क्लासिफाइंग करोगे, फिर समराइज करोगे। समराइज का मतलब होता है अकाउंट्स को इकट्ठा करना। आपने पूरे दिन भर में 10,000 रुपए का सेल किया, तो वो 10,000 रुपए का जो सेल्स है कैसे पता चला? एक ही व्यक्ति को नहीं बेचा, आपने इकट्ठा कर करके कर करके करा है वो। तो आपने क्या करा है, समराइज। क्लासिफाइंग, आपसे मैं पूछता हूं कि भाई आप सेल्स बताइए, तो आप इसमें से ढूंढ ढूंढ के निकाला है आपने, इसी को क्या बोला गया, क्लासिफाइंग। तो दोबारा देखते हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। चलिए समझ में आया? हाँ जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। आपको थ्योरी नहीं पढ़ना, ये इसको ध्यान नहीं देना, मैं जो बोल रहा हूं उन बातों को ध्यान दो, और बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम तक आपको याद रहेगा, उस बात की चिंता मत करो। इसके बाद है, इसके बाद चलिए मैं यहां लिखता हूं, इसके बाद इन द, इन द सिग्निफिकेंट, इन द सिग्निफिकेंट मैनर। ये लो जी, इन द सिग्निफिकेंट मैनर। आप बस मुझे, आप सब बिल्कुल पूरी ईपीएफओ की आपने तैयारी कर ली है, आप सब एकदम, इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है आपको, मुझे तो ज्यादा नहीं आता, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? सर सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। फिर वही बात, मैंने हिंदी थोड़ी ना पूछा है आपसे, आप सिग्निफिकेंट का एग्जाम्पल दीजिए मुझे सर वो। चलिए मैनर का मतलब, सर मैनर का मतलब तरीका, मैंने फिर हिंदी थोड़ी ना पूछा है। सिग्निफिकेंट का मतलब आपने सही बताया हिंदी मीनिंग, लेकिन इसको मैं कैसे इसमें लिखा गया, सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, और इसका मतलब तरीका, तरीका। ठीक है, कैसे? मुझे एक अपने छोटे बचपन की मैं बात आपसे करूं, तो जब मैं 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा करता था, तो गर्मी की छुट्टियों का इंतजार किया करता था, और जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो बस सबसे ज्यादा टेंशन एक बात की होती थी कि होमवर्क ना मिल जाए, बस सब कुछ मिल जाए, होमवर्क ना मिल जाए। टीचर फिर, लेकिन टीचर छुट्टी पड़ने से एक दिन पहले लिस्ट, हाँ जी बच्चों बोर्ड पे लिखो होमवर्क, बस वही डर रहता था, और वो डर मेरा दूर ही नहीं होता था। वो टीचर से मैं मना भी करता था, वो दे देते थे होमवर्क। तो इन द सिग्निफिकेंट मैनर, जब टीचर होमवर्क देते थे तो उस टाइम पे राइटिंग दिया जाता था, सुलेख दिया जाता था। अब राइटिंग, राइटिंग में क्या दिया जाता था, राइटिंग के अंदर कहते थे 10 पेज राइटिंग लिख के आओ, 15 पेज राइटिंग लिख के आओ, 20 पेज राइटिंग लिख के आओ, 60 दिन की छुट्टी है तो 60 पेज राइटिंग लिखो। इससे बड़ा परेशान रहता था। मैंने भी गुस्से में आके क्या करा, मैंने राइटिंग लिख दिया। मैंने बोला आज इन्होंने राइटिंग दिया, कुछ मेरा पेज ऐसे था, मैंने कहा 30 पेज दिया, मैं 40 करके दिखाऊंगा अपनी मैडम को, 40 करके दिखाऊंगा मैडम को मैं। उसने राइटिंग दिया, लिखना क्या था, राम खाना खाता है। मैंने लिखा राम खाना खाता है, एक पेज भर गया। लो जी दूसरे पेज पे भी राइटिंग, मैंने बोला मैडम और राइटिंग पे राइटिंग दो लिखने के लिए, मैं बताता हूं कैसे करते हैं जल्दी जल्दी काम पूरा। मैंने लिखा मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है, ये लो जी पेज भर गया मैडम, 2 पेज होगी राइटिंग। और मैं मैडम के पास लेके गया, मैडम इसे चेक करो। मैडम ने देखा इसको और लिखा कि राम खाना खाता है, मोहन घर जाता है। मैडम बोला बस मैडम यही तो लिखा है, आपको समझ आ रहा है? मैडम ने रजिस्टर उठाया और बाहर फेंक दिया। मैंने बोला मैडम क्या गलती हो गई ये तो बताओ। अब आपसे पूछना चाहूंगा क्या मेरी कोई गलती है? हाँ सर,
आपकी गलती है। बताओ ना मेरी क्या गलती है। मेरी गलती यही है कि आपने ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था इस तरीके से, राम खाना खाता है, इस तरीके से लिखना चाहिए था। आपने क्या ये फैला रखा है, क्या ये कोई तरीका है लिखने का, क्या ये कोई मैनर है लिखने का। बस यही बात मेरे समझ में आया, यहीं से वर्ड आया। सेम ऐसे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बोला जाता है बच्चे आपका लिखने के लिए, अकाउंटिंग कैसे किया जाना चाहिए आपका, इस तरीके से अकाउंटिंग होता है। आगे हम देखेंगे, ये लाइन होता है, बोला जाता है इधर लाइन लिखो, इधर लाइन बिल्कुल सीधे सीधे लाइन खींचना है। अभी स्केल से तो मैं खींच नहीं रहा, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, उसकी चिंता मत करो, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो इसको मैंने खींचा लाइन, ये लो जी सीधी लाइन हो गई, ये लाइन खींचना है, ठीक है जी, ऐसे लाइन खींचना है। और इसके बाद इधर पर्टिकुलर लिखना है, पर्टिकुलर इधर अमाउंट लिखना है, इधर पर्टिकुलर लिखना है, इधर अमाउंट, अगर पेमेंट है तो मैं कैश के बारे में लिखूंगा, यहाँ पे कैश अकाउंट लिखूंगा, इस तरीके से कुछ अकाउंटिंग। ये तरीका है करने का, मैंने बोला बस यही तरीका है, एक काम करता हूं मैं, बड़ा ही आसान है, मैं अकाउंटिंग करके दिखाता हूँ, अकाउंटिंग करके दिखाता हूँ। टै टै टै, ये रहा मेरा अकाउंटिंग और ये रहा अकाउंटिंग। अब बताओ मैंने डिजाइन क्या बढ़िया बनाया। हाँ सर बहुत बढ़िया डिजाइन। अरे इसमें क्या लिखेंगे, ये डिजाइन पेंटिंग थोड़ी मिला है, आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो, पेंटिंग थोड़ी ना कर रहे हो आप। तो इन द सिग्निफिकेंट मैनर, समझते हैं मैनर का मतलब, क्या आप बताएंगे क्या ये मेरा काम करने का मैनर है। नहीं सर ये मैनर नहीं है। क्या ये काम करने का मैनर है। नहीं सर मैनर नहीं है। क्या ये काम करने का मैनर है। सर ये वाले नीचे वाला लाइन है ये बेकार है। क्या ये काम करने का मैनर है। हाँ जी मैनर है। मैनर का मतलब क्या बताया मैंने, तरीका। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण मतलब जो स्पेसिफिक रूल है उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग करनी है। अगर आप अपने हिसाब से चलाओगे, आप लाइन को इधर उधर करोगे, तो वो अकाउंटिंग करने का आपका कोई फायदा नहीं है, वो अकाउंटिंग आपके मान्य नहीं होगा। तो चलिए दोबारा देखते हैं, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समझ में आई बात, अकाउंटिंग एक लिखने की कला है। क्यों, अभी समझाया था, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, लाला जी चुन चुन के लिख रहे थे। इन द सिग्निफिकेंट मैनर, एक महत्वपूर्ण तरीके से लिखा जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया। हाँ सर समझ में आ गया। चलिए इसके बाद, इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ मनी, मनी हम कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स के अंदर आपकी बात करूं मैं तो कॉमर्स का मतलब होता है आपका बिजनेस, कॉमर्स का मतलब नॉर्मली होता है बिजनेस। तो इन द टर्म्स ऑफ मनी की बात करते हैं तो बोला गया अकाउंट्स के अंदर कि भाई अकाउंटिंग को आप लिखना एक कला है आपकी, मानते हैं, लेकिन पता है कब कला कहेंगे, जब आप क्लासिफाइंग करोगे और समराइज, जो ये दोनों के साथ साथ आपको ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट मैनर भी होना चाहिए। अब मान लो मुझे अपना बिजनेस का मुनाफा या लॉस निकालना है, आपकी दुकान है, आपको बिजनेस का लॉस प्रॉफिट निकालना है, आपने पूरे दिन में सेल्स किया, सेल्स किया, सेल्स किया आपने 1000 रुपए का, और आपका खर्चा जो है, एक्सपेंस जो है वो है 800 रुपए। अब आप बीमार पड़े, बीमार बीमार पड़ गए आप, ये लो बीमार लिख दिया, अभी हटाते हैं इसे, बीमार, दंगे हो गए आपके वहां पे, राइट्स हो गए, हड़ताल हो गई, स्ट्राइक हो गई, हड़ताल स्ट्राइक ये लिख दिया मैंने। अब बताओ आपका कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। आप कहोगे सर आपका जो 1000 का खर्चा 800 का नुकसान, इसका मतलब 200 रुपए का आपका मुनाफा है। ऐसे नहीं, ये भी तो है हमारा, ये बीमार है, ये स्ट्राइक है, इन सबको तो आपने देखा ही नहीं। तो बोला गया कि अकाउंटिंग में इनकी जगह नहीं है, आप बीमार पड़ते हो, आप खाना खा रहे हो, इनकी जगह नहीं है। आपको जो आपकी अकाउंटिंग करनी है सिर्फ उस वैल्यू को लेके करना है जो किस टर्म्स में हो, आपके मनी के टर्म्स में हो। पैसे वाली चीजों को तो देख के आप कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो, बिना पैसे वाली चीज को कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। हाँ पैसे वाले से मतलब है कि आपका या तो पैसे वाला हो या पैसे के टर्म्स में बदला जा सकता है। क्या आपके बीमार को पैसे के टर्म्स में बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। तो कहा गया कि अकाउंटिंग लिखने की कला है, लेकिन ध्यान रहे पहले क्लासिफाइंग करो फिर समराइज करो, और यह भी ध्यान रखना एक सिग्निफिकेंट
मैनर में लिखना और सिर्फ पैसे वाले ट्रांजैक्शन को लिखना, बिना पैसे वाले को लिखोगे तो बहुत खतरनाक है वो अकाउंटिंग मानी नहीं जाएगी। अगर मैं यहां पे बोलूं सर बीमार 10 रुपए का हुआ और स्ट्राइक 20 रुपए का हुआ, आपका प्रॉफिट तो 170 है, गलत जवाब। आपका जवाब होना चाहिए सर 200 रुपए का, ये तो नॉन मॉनेटरी आइटम है, नॉन मनी आइटम है, नॉन कैश आइटम है, तो इसको नहीं लिखा जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, अकाउंटिंग नहीं की जाएगी। हम अकाउंटिंग तो सीख रहे हैं, इसे हम नहीं लिखेंगे अपने खाते में, तो हमारा सिर्फ इन द टर्म्स ऑफ मनी होगा, उसी को लिखा जाएगा। चलिए उधार की बात आप पूछ रहे, उधार उधार बिल्कुल लिखा जाएगा, कभी ना कभी तो मनी में कन्वर्ट होगा, लेकिन क्या बीमारी आपकी मनी में कन्वर्ट होगी? नहीं होगी। हाँ जी, चलिए समझ में आ गया सर, आगे देखते हैं। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। आप बताइए ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, ट्रांजेक्शन का मतलब, ट्रांजेक्शन का मतलब सर लिखना, लिखना। इवेंट का मतलब काम होना, काम होना। इवेंट का मतलब वो इवेंट नहीं जो पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब लिखना और इवेंट का मतलब काम होना। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए एक है हमारा अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का पता है ना क्या काम होता है? ये अकाउंटेंट जी, अकाउंटेंट जी ठीक है, और इसका मालिक, मालिक है ये ऑनर, ऑनर ये थोड़ा सोचता है चमचा किस्म का है, चमचा समझते हो जो बटरिंग का काम करता है, यानी ये मालिक को बहुत बोलता है ताकि इसकी सैलरी बढ़ जाए, इस तरीके से काम करता है। हुआ यूं, इसकी दुकान पे एक ग्राहक आता है, एक ग्राहक जैसे ही इसकी दुकान पे आया, ये इसकी दुकान है बेटे, इसकी दुकान पे ग्राहक आया, ये दरवाजे भी बना दिए, ये लो छत भी बना दिए, ठीक है। ग्राहक आया, ग्राहक ने पूछा, इसकी कपड़े की दुकान है, ग्राहक ने पूछा, ओ भैया ऑनर लाला जी जीन्स कितने का दिया? इसने बोला भैया जीन्स है 500 रुपए का। इसने बोला ठीक ठीक लगा लो। उसने बोला सुबह का टाइम है, चलो 480 रुपए दे देना। इसने कस्टमर ने, ये कस्टमर है, ये कस्टमर क्या बोलता है इसको, नहीं जी मैं तो 200 रुपए दूंगा। लाला जी ने हाथ जोड़े और बोले नहीं चाहिए मुझे, आप जा सकते हो, लेना है ना तुम्हारी ना मेरी, 400 रुपए में दे दूंगा, लेना है तो लो नहीं तो मत लो। इसने बोला जी नहीं लूंगा, ये चला गया इस दुकान से। और अकाउंटेंट ने सिर्फ ये सुना कि ये आया था, इसने क्या कहा, सेल्स, सेल्स 400 रुपए। देखो अकाउंटेंट ने लिखा 400 रुपए, ठीक है। उसके बाद एक और पर्सन आया, ये आ गया दूसरा कस्टमर, ठीक है, ये एकदम लाल कस्टमर, ठीक है, लाल कस्टमर, गुस्से से लाल नहीं, एकदम हेल्दी कस्टमर है, ये कश्मीर से एप्पल खा के आया है कस्टमर। ये कस्टमर क्या बोलता है, भैया ये शर्ट कितने का दिया? दुकानदार ने बोला लाल कस्टमर आज देखो तुम्हें मैं कैसे बताता हूं, ये शर्ट है सिर्फ और सिर्फ 950 रुपए की, 950 रुपए की शर्ट है। कस्टमर ने बोला 950 की, कुछ सही सही लगा लो। इसने बोला चलो आपके लिए 940 दिए। कस्टमर बोलता नहीं 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 कस्टमर जाने लगा। दुकानदार सोच रहा है यार इसको तो ज्यादा रेट बता दिया। बोला सुनो तो सही कितने का दोगे? कस्टमर ने बोला जी मैं इसके तो 150 रुपए दूंगा, बताओ देते हो तो बोलो। दुकानदार गुस्से में आ गया, बोला भाई 150 का तो नहीं मिलेगा, आपको लेना है या नहीं लेना है या फिर टाइम पास करने आए? बोला लेने आए हो, 150 रुपए लो और दो शर्ट, मैं तो लेने आए हूँ, आप देने वाले बनो, हम तो मैं तो लेने वाला बन रहा हूँ। बोला देखो भैया सुबह सुबह का टाइम है, जिद बहस नहीं करना, आपको ये शर्ट पड़ेगा 800 रुपए के, लेने हैं तो लो नहीं तो मत लो। अकाउंटेंट फिर से सेल्स लिखता है, कितने का, 800 रुपए का। इसके बाद अगेन एक और कस्टमर आया, इस कस्टमर ने बोला भैया ये टी शर्ट कितने की है? टी शर्ट पूछा इसने, शौकीन कस्टमर है ये, टी शर्ट पूछा इसने, टी शर्ट कितने का है? दुकानदार ने बोला जी टी शर्ट 200 रुपए का है। इसने फटाफट 200 रुपए दिए, 200 का नोट, और फटाफट ले गया, बोला चलो भाई टी शर्ट दे दो, टी शर्ट ले लिया 200 रुपए का। दुकानदार का बहुत अपसेट, अपसेट अपसेट है थोड़ा, ये अपसेट कैसे होगा, हाँ ये रहा अपसेट है, और सोच रहा है आज की ग्राहक नहीं हुई। उसने बोला और भाई अकाउंटेंट क्या हाल चाल है आपके, आज तो काम वाम हुआ ही नहीं? अकाउंटेंट बोलता है सर आज का आपका काम मैं बताता हूँ, आज आपने 8, 4, 12 और 2 कितने हो गए बताइए, 400, 800, 200,
1400 रुपीज की आपने दुकानदारी करी। ऑनर ने बोला 1400। ऑनर ने हिसाब लगाया, पहला कस्टमर चला गया, दूसरा कस्टमर चला गया, एक ही को तो बेचा 200 रुपए। इसने बोला, ओ अकाउंटेंट इधर आ, कितने का सामान बेचा? इसने बोला, सर आपने 1400 का सामान बेचा है। बोला, अकाउंटेंट तू चले जा, आज से तेरी नौकरी खत्म हो गई, जा अब तेरी नौकरी कहीं और ढूंढ, मैंने देख लिया तेरे को कितने अकाउंटिंग आता है। इसकी नौकरी चली गई। आप बताइए, क्या ठीक गई इसकी नौकरी? क्या इसको नौकरी से निकाला गया बिल्कुल ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इसको 200 रुपए लिखना चाहिए था, सेल्स तो 200 रुपए का हुआ है, लेकिन ये 1400 क्यों लिख रहा है? ये दोनों ने तो लिया ही नहीं था कस्टमर ने, इसने और इसने, लाल और काले वाले ने बिल्कुल नहीं खरीदा सामान, ब्लू वाले ने खरीदा था सामान। हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो होगा लिखना, लिखो जरूर, लेकिन जब इवेंट हो जाए तभी लिखो। अगर इवेंट नहीं हुआ यानी काम कंप्लीट नहीं हुआ और आप लिख के बैठ जाते हो तो क्या वो अकाउंटिंग है? नहीं, बिल्कुल अकाउंटिंग नहीं मानी जाएगी। चलिए फिर से देखते हैं। कहता है अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, लिखने की कला है। कैसे लिखोगे भाई? पहले क्लासिफाइंग करना, फिर समराइजिंग करना, फिर लिखना आपने कैसे, इन द सिग्निफिकेंट मैनर। और कौन सा आइटम को? दंगे फसाद को लिख ले? नहीं, इन द टर्म्स ऑफ मनी ओनली। और कब लिखोगे आप ये बताइए? जब काम कंप्लीट हो जाएगा तभी लिखना है, यानी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। चलिए आगे देखते हैं ट्रांजेक्शन एंड इवेंट का बात। एटलीस्ट या पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर, एटलीस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये क्या है सर? देखो एटलीस्ट का हिंदी मीनिंग बताइए, एटलीस्ट का हिंदी मीनिंग बताइए क्या होता है? एटलीस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कम से कम। फाइनेंशियल मतलब यहां पैसा, कैरेक्टर मतलब के रूप में। तो आपको जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मॉनेटरी टर्म्स में मिले, कुछ ऐसे भी काम हो सकते हैं जो कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स में मिले। नॉन मॉनेटरी टर्म्स का मतलब कि आपका पैसे में तो नहीं मिला लेकिन वो फाइनेंशियल नेचर का है। आपको मैं ब्याज दूंगा, दिया तो नहीं, क्या फाइनेंशियल नेचर का है? बिल्कुल, उसे लिख लो कि कल मैं आपको ब्याज दूंगा, मैंने लिख लिया इसको। आपसे मुझे 5000 लेने हैं, क्या पैसे मिल गए? नहीं मिले, इन फ्यूचर में कभी ना कभी तो मिलेंगे, तो मैं लिख लूंगा मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो पैसा आए चाहे ना आए, पैसा चाहे थोड़ा सा एडवांस आया, आपने 10,000 का सामान लिया, 2,000 रुपए मुझे दे दिए, थोड़ा सा एडवांस आया, उन चीजों को भी लिखना है आपने। ऐसा नहीं कि कैश में ही होगा, आपको मदर डेयरी नहीं बनना कि कैश में होगा तभी सामान दिया जाएगा। आपको तो दुकानदार, अच्छा दुकानदार बनना है तो उस हिसाब से आप सामान लोगे। तो एटलीस्ट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर। हाँ सर, यहां तक समझ में आया। इसके बाद इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ, इंटरप्रेटिंग। चलिए अब मैं यहां पे आता हूं, मैं यही अंडरलाइन कर देता हूं, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ। मैं सारा काम करता हूं, आपके सामने मैंने अकाउंटिंग करा और मैं सब कुछ करूंगा, आज मेरे पास कला भी आ गई, बताइए मेरे पास कला है कि नहीं है? हां सर आपके पास तो बहुत अच्छी कला है। चलिए ठीक है। इसके बाद क्या मेरे पास सिग्निफिकेंट मैनर है? हाँ सर आपके पास मैनर भी है। क्लासिफाइंग बिल्कुल निकाला और क्लासिफाइंग कर लिया मैंने, और क्लासिफाइंग करने के बाद और मैंने चाइनीज लैंग्वेज में लिख दिया इसको, और आप इंडियन हो, आपको समझ आ रहा है कितने किलो आटा कितने किलो चावल? क्या समझ आ रहा है? सर नहीं आ रहा। अब मैंने देखो सारे रूल लगाए, मैंने पास कला भी थी, सीधी सीधी लाइन है, क्लासिफाइंग एंड समराइज भी है, ट्रांजेक्शन और इवेंट वही काम लिखा जो कि हुआ है, और इन द सिग्निफिकेंट मैनर वाले भी हमने लिखे हैं, और इसके बाद क्या है, और इन द कैश टर्म्स ऑफ कैश, सारी चीजें मैंने लिखा है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा। अब बोलो मेरा अकाउंटिंग कैसा है? क्या अकाउंटिंग आपको समझ ही नहीं आया तो बताओ क्या करें? सर आपका तो सब समझाना बेकार हो गया, आज किसी काम का नहीं रहा, इसके करने के बाद तो हिम्मत हार गए। नहीं बेटे, हिम्मत नहीं हारना बच्चे आपको। आप देखिए, अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। बोला गया अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग एक लिखने की कला है। कैसे लिखोगे? पहले क्लासिफाइंग करोगे, फिर समराइज करोगे। ट्रांजेक्शन और इवेंट
सॉरी, पहले क्लासिफाइंग फिर समराइज और इन द सिग्निफिकेंट मैनर। तो पहले क्लासिफाई करो और समराइज करो, और कैसे करना है? सिग्निफिकेंट मैनर में। और कौन सा आइटम होने चाहिए? ओनली इन द टर्म्स ऑफ मनी। और कब लिखोगे? जब हमारा इवेंट हो जाएगा और फाइनेंशियल करेक्टर का हुआ तो लिख लेंगे, और उसके बाद इंटरप्रेटिंग रिजल्ट दे रहा हो। अब देखिए आप, मैंने ये टाइम अब देख रहा, ये सब कुछ सही लिखा है, पहले मैंने झूठ बोला था। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। समझ में आया आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग? बिल्कुल सर, समझ में आ गया, ये बताया तो है। क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, बिल्कुल समझ आ रहा है सर। इन द सिग्निफिकेंट मैनर, समझ में आ रहा है? तो मैं इसको अगर डिटेल पढ़ूं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग इन द सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी, और पैसे वाली चीज। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, जो काम हो चुका हो। विच आर पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल करेक्टर, जो कि पैसे करेक्टर का है। उस सब को करने के बाद अगर सामने वाले व्यक्ति को समझा दिया, इंटरप्रेटिंग समझना, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? अगर आपने सारा रिजल्ट समझा दिया, इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है समझना, समझना, समझा दिया, तो आपकी अकाउंटिंग क्या हो गई? सफल। ये मैं नहीं बता रहा बच्चे, ये जो है हमारा जो सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है अकाउंट्स की, इसी में से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो जो हमारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट चार्टेड पब्लिक अकाउंटेंट है, उन्होंने ये डेफिनेशन लिखा है। वहां इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वैसे तो सीपीए का कोर्स भी होता है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे सीपीए को क्या बोलेंगे? आपका सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जो अमेरिका का है ये, और ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये थ्योरी लिखी थी, उसी थ्योरी को देखा। चलिए अब मेरे साथ बोलिए अकाउंट्स की डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी ओनली एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी ओनली ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एटलीस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ। क्या समझ में आया? नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। अब देखिए, हाँ सर समझ में आ गया, बस इसको हटा दीजिए, पूरी तरीके से हम इसको समझ चुके हैं। बताइए बच्चे, कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमने अभी डेफिनेशन कंप्लीट किया। डेफिनेशन में फिर से देखिए क्या है, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बच्चे ये इतना डिटेल में क्यों करा हमने? सर इतना डिटेल में क्यों कर रहे हैं, हमारा तो थोड़ा सा आएगा। इसी में से हम डेफिनेशन बनाएंगे, इसी डेफिनेशन तो सॉरी है ये, इसी में से हम एडवांटेज बनाएंगे, इसी में से डिसएडवांटेज बनाएंगे, इसी में से करेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, इसी में से हम फ्लो बनाएंगे, बहुत सारी मीनिंग इसमें से निकालने वाले हैं। इसको अगर हम समझेंगे तो एक नंबर का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट समझ लिया आप, अच्छे से इसको नोट करिए, और एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में देख के मजा आ जाए। और आपने नोटबुक बना रखा होगा, बिल्कुल अलग नोटबुक बनाना है, ज्यादा मोटी नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, 30 से 40 पन्ने का काम होगा। तो आप एक नोटबुक बनाए अपने सेपरेट, और उसके ऊपर लिखना है अकाउंट्स, और फटाफट से ये नोट करिए। और इसमें से अगर आपको लगता है कुछ नोट करने लायक है और आपको नोट करना चाहिए तो आप नोट करिए। चलिए बच्चे फटाफट से नोट करिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है।